बार फिर से आपका स्वागत है। इसी बीच एक बड़ी खबर है, मऊ में समाजवादी पार्टी के सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार माफिया मुख्तार अंसारी की बेटी ने विवादित बयान दिया है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुरा के मैदान में आयोजित जनसभा में बहुत ही उत्तेजित और भड़काऊ भाषण दिया। मंच से अब्बास अंसारी ने कहा कि अखिलेश यादव से बात करके आया हूँ, सरकार बनने पर 6 महीने तक किसी भी अधिकारी और पुलिस के कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की जाएगी, इन लोगों की ओर से पूर्व में किए गए जुल्म का हिसाब लिया जाएगा, ये कहते हैं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम दर्शकों को बता रहे हैं, अधिकारियों को लेकर ये बयान अब्बास अंसारी का। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। भैया तो सुना आपने अभी अब्बास अंसारी को क्या कहते हैं अब्बास अंसारी। जी हाँ, मुख्तार अंसारी का बेटा है अब्बास अंसारी, जो ये कहता है कि अखिलेश यादव से बातचीत हो गई है, बात करके आए हूं अखिलेश यादव से, सरकार बनने पर 6 महीने तक किसी भी अधिकारी और पुलिस के कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की जाएगी। वेद मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मऊ से जुड़ गए हैं। वेद, माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास ये कहता है कि किसी भी कर्मचारी की ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं करेंगे, अखिलेश यादव से बात करके आए हैं, जो जुल्म किया इन लोगों ने इसका हिसाब लिया जाएगा। जी आपको बता दें कि कल बीती रात को नगर क्षेत्र के पहाड़पुरा के मैदान में एक जनसभा का आयोजन था और लगभग 10 बजे के आसपास अब्बास अंसारी पहुंचते हैं अपने भाई अब्बास अंसारी के साथ, और वहाँ उस जनसभा में उन्होंने मंच से बहुत ही फिल्मी अंदाज में और धमकी भरा शब्दों में पुलिस वालों को चेतावनी दिया है कि उन्होंने अखिलेश यादव से बात कर दिया है, जो भावी मुख्यमंत्री होने वाले हैं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ के अधिकारियों को या पुलिस वालों को ना तो ट्रांसफर की जाएगी ना तो पोस्टिंग की जाएगी। पिछले 6 महीनों में जो उनके और उनके उनके समर्थकों के बीच में जो उनके ऊपर अत्याचार और जुल्म ढाए गए हैं, उन अधिकारियों का हिसाब किताब लिया जाएगा। आपको अपडेट कर दे के इस मामले में अभी डीजीपी कार्यालय लखनऊ ने संज्ञान लेते हुए इस वीडियो की जांच और अधिकारियों को जांच का आदेश दे दिया है। वेद, कल का वीडियो है ये? जी कल का वीडियो है। कल बीती रात में लगभग 10 बजे के आसपास नगर क्षेत्र के पहाड़पुरा इलाके में उन्होंने जनसभा में संबोधित किया था, और उसके बाद फिर मेरी टीम हम लोगों ने जाके रात में 1 बजे उनके कार्यालय पे पहुंचकर उनसे अंसारी से बाइट भी ली थी कि आपने इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया है तो इससे क्या कहेंगे। ठीक है वेद, मैं अभी आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त आलोक अवस्थी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। आलोक अवस्थी जी, अब्बास अंसारी को तो आपने सुन ही लिया होगा, अधिकारियों से जुल्म का हिसाब लेंगे, इस तरह की धमकी देंगे ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि समाजवादी पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। इसके पहले भी पश्चिम क्षेत्र के चुनावों में हमने देखा था कि कैसे बयान आ रहे थे कि पेशाब से जो है तेल जलवा देंगे और बदला लेंगे, ये भावना स्टार्टिंग में ही हो गई थी जो चुनाव शुरू हुआ था, और उसकी परिणति आखिर में भी हो रही है कि जो है मुख्तार अंसारी के परिवार से जो है इस तरह की बातें कही जा रही है। तो निश्चित बात मान के चलिए कि इनके मनसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है ऐसे अपराधियों को, ऐसे तत्वों के बारे में उनका रिजल्ट आपने देखा है पिछले 5 साल में किस तरीके से उन्होंने ठीक किया है, और मुझे लगता है कि 10 मार्च के बाद उनके मनसूबे हवा में उड़ जाएंगे और जो अपराधी और बच्चे खुचे होंगे, जो इस तरह की भावना इनके मन में होगी, वे सब अपनी भावनाओं को मन में महसूस करके अपने प्रदेश से बाहर भाग जाएंगे। ठीक है, आपके पास अभी लौटती हूँ आलोक जी। इस वक्त अरुण राजभर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं SBSP से। अरुण राजभर जी, अब्बास अंसारी को सुन ही लिया होगा आपने, अखिलेश यादव से बात करके आ गए हैं और ये तय भी हो गया है कि 6 महीने तक किसी भी अधिकारी का तबादला यहाँ से नहीं किया जाएगा, ट्रांसफर किसी का नहीं होगा, जो अभी तक जुल्म किए हैं अधिकारियों ने उनका बदला लेंगे। कौन से जुल्म किए अधिकारियों ने? उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से बदला ले रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 साल तक थानों पर जाति चीन करके न्याय अन्याय किया गया, जुल्म किया गया, अत्याचार किया गया, न्याय नहीं मिला। इसलिए वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अन्याय किया है, बिना
बिना जाति देख करके जिन लोगों ने कार्रवाई किया है, योगी आदित्यनाथ का आदमी बन के काम किया, अधिकारी बन के काम किया है, वो अधिकारी किसी पार्टी का नहीं होता है, वो नहीं, वो तो ये कह रहे कि किसी भी अधिकारी, किसी भी अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी की ट्रांसफर नहीं होगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस गुंडाई तक उतर आई है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर के गिरावान पर हाथ डाल दिया, माननीय अरविंद राजभर गिरेवान पर हाथ डाल दिया, पूरे पिछड़े समाज के लोगों पर हमला किया, आज किसे स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया है। कौन अधिकारी लोग हैं जो बचाने का काम कर रहे हैं ऐसे भाजपा गुंडों को? इसलिए कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने पिछड़ों पर हमला किया है, दलितों पर हमला किया है, किसानों पर हमला किया है, ऐसे लोग जो बचाने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई सरकार बनने पर होगी, चाहे वो क्यों नहीं होगी, आदित्यनाथ खुद हो, उनकी कार्रवाई होगी, उनको भी जेल के सलाखों में रखा जाएगा। ठीक है आलोक जी, जवाब दीजिए। के प्रति जो अपराधियों का रवैया रहा है, जो दंगाइयों का रवैया रहा है, अखिलेश यादव और उनके समर्थक दलों का उनको समर्थन रहा है, खुल करके जो है अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं, खुले आम जो है राजभर जी कह रहे हैं कि हम तीन सवारी जो है स्कूटर पे पटाख चलाएंगे, हम जो है मुख्तार अंसारी को टिकट देकर चुनाव लड़ाएंगे, इस तरह की भावना और जनता ने चली जा रही है और पूरे कभी नहीं होने वाले हैं। 2022 में जिनकी हालो हाथी पर जाएंगे और कानून का राज रहेगा, कानून का राज में जो सभ्य व्यक्ति होता है, जो सामान्य व्यक्ति होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं अरुण राजभर जी, दिक्कत क्या है अगर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं हो या माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो, दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें? अगर कार्रवाई अधिकारी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है फिर SBSP को या समाजवादी पार्टी को? तरफ में कार्रवाई किया, हर तरफ में क्या हुआ? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिला, दलित परिवार को? क्या लखीमपुर में किसानों को न्याय मिला, या 700 किसानों को न्याय मिला जो शहीद हो गए बॉर्डर पर? बुलडोजर चला है, बुलडोजर चलाएंगे आलोक अवस्थी जी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इस पर प्रतिक्रिया आपने रखी।